हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की तरफ से निकाली गई जॉब अपडेट के बारे में। CSIR सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है वो आपके वॉक इन इंटरव्यू पे रहने वाली है। एंड वॉक इन इंटरव्यू पे जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। किस तारीख को आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है, उसके अलावा कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा, सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं इस वीडियो को शुरू। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ऑफिशियल नोटिस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है, जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके अलावा जो यहाँ पे आपकी वैकेंसीज रहने वाली हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें आपकी जो नेम ऑफ पोजिशन दी गई है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की रहेगी। इसमें आपकी 38 पोजिशन रहने वाली है, जिसमें की आपकी 20,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। थर्ड पार्टी आपका कोल क्वांटिटी मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें की आपका डिफरेंट आपकी यहाँ पे साइट एंड डिफरेंट माइंस भी आपको यहाँ पे रखा जाएगा। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी 10 पोस्ट आपकी रहेंगी यहाँ पे, 3 साल का डिप्लोमा BSc जिसने कर रखी है, BSc आपकी यहाँ पे जियोलॉजी में अगर कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 10 पोजिशन आपकी यहाँ पे रहेंगी, जिसमें की आपका 3 साल की BSc होनी चाहिए, BSc आपकी केमिस्ट्री में कर रखी है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एक आपकी जो पोस्ट रहेगी वो आपकी डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर वालों के लिए रहने वाली है। 4 पोस्ट आपकी डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वालों के लिए रहेंगी। 1 पोस्ट डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। 10 पोस्ट आपकी यहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग में कर रखी है डिप्लोमा। उसके अलावा 2 पोस्ट आपकी रहेंगी सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए। सेकेंड पोजिशन रहेगी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। इसमें आपका मंथली स्टाइपेंड जो रहेगा 25,000 रहेगा। इसमें अगर आपने गेट क्वालिफाई कर रखा है CSIR का, UGC नेट क्वालिफाई कर रखा है, उनको 31,000 आपको यहाँ पे जो वो सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो आपकी आप यहाँ पे न्यूनतम आपका प्रतिशत रहने वाले हैं वो आपके 65% मार्क्स आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया आपका इंटरव्यू रहेगा, प्लस आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ये बेसिस पे आपकी रहने वाली है। इसमें आपकी जो पोस्ट रहेंगी 8 पोस्ट आपकी पोस्ट ग्रेजुएट आपने कर रखी है, मास्टर डिग्री कर रखी है जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी में अप्लाई कर पाएंगे। 6 पोस्ट रहेंगी पोस्ट ग्रेजुएट आपका मास्टर डिग्री में केमिस्ट्री कर रखी है, उसके अलावा अप्लाइड केमिस्ट्री में कर रखी है, अप्लाई कर सकते हैं। 1 पोस्ट रहेगी बैचलर इंजीनियरिंग बीटेक केमिकल इंजीनियर वालों के लिए। नेक्स्ट आपकी 4 पोस्ट रहेंगी बीटेक आपकी CSC वालों के लिए। उसके अलावा 1 पोस्ट रहेगी बैचलर इंजीनियरिंग बीटेक आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। 6 पोस्ट रहेंगी आपकी बैचलर इंजीनियरिंग बीटेक माइनिंग इंजीनियर वालों के लिए। नेक्स्ट आपकी 2 पोस्ट रहेंगी जिसमें बैचलर इंजीनियरिंग बीटेक आपने कर रखी है सिविल में, उसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा जो 3rd पोस्ट रहेगी आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की रहेगी, इसमें सैलरी 28,000 रहेगी। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 दी गई हैं। इसमें भी गेट क्वालिफाई कर रखा है CSIR का आपका, UGC नेट क्वालिफाई कर रखा है, 35,000 आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें जो पोस्ट रहेंगी इसमें आपका जो वो डिग्री होनी चाहिए जियोलॉजी में, प्लस आपने अप्लाइड जियोलॉजी कर रखी है, अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके साथ में यहाँ पे मांगा गया है। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट रहेगी इसमें 1 पोस्ट रहेगी, इसमें भी आपका जो एसेंशियल बीटेक आपकी होनी चाहिए, उसके अलावा बैचलर इंजीनियरिंग आपने कर रखी है माइनिंग इंजीनियरिंग में, एसेंशियल 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्क और इंटरव्यू आपका रहेगा वो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपका जो रखा गया है बिलासपुर रिसर्च सेंटर आपका रखा गया है, जिसमें की आपका यहाँ पे पोस्ट खाली चौक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहेगा। वर्क इन इंटरव्यू की डेट आपकी 10 बजे यहाँ पे रहने वाला है। डेट आपको यहाँ पे मेंशन की गई है 18/2/16/2022 को आपका जो रहेगा प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 का रहने वाला है, जो कि जियोलॉजी एंड अप्लाइड जियोलॉजी वाले हैं। नेक्स्ट आपका 17/2/2022 को रहेगा प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का, जिसने केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में कर रखी है। उसके अलावा प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 18/2/2022 को रहेगा माइनिंग इंजीनियरिंग वालों का। 21/2/2022 वालों को रहेगा प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का, जिसमें आपकी कंप्यूटर आपने CSC में कर रखा है, उसमें आपका जो रहने वाली है डेट वो आपकी 21/2/2022 रहने वाली है। उसके अलावा नेक्स्ट आपकी 22/2/2022 जो रहेगी, इसमें आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए रहेगी।
23/2/2022 जो रहेगी केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, 24/2/2022 आपकी रहेगी डेट सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो उसकी डेट सारी आपको क्लियर हो गई है, बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर ये आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा, वहां से आप इस ऑफिशियल नोटिस को भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जो आपका रहेगा वो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी कैंडिडेट्स आपके जाएंगे वो ओरिजिनल एजुकेशनल मार्कशीट आपकी लेके जानी है सभी सेमेस्टर्स की। उसके अलावा बाकी आपकी यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी यहाँ पे मिनिमम एज 21 रहेगी, मैक्सिमम आपकी 50 यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे जो वो एज दी गई है जो कि आप चेक कर सकते हैं। आगे इसमें हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म दिए गए हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको साथ में लेके जाना है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में। यहाँ पे आपको जो अपनी फोटो साथ में लेके जानी है, फोटोज के साथ में अटैच कर लेनी है, बाकी ये सारा फॉर्म फिलअप करके आपको जो वो साथ में लेके जाना है। तो यही इसका प्रोसेस रहने वाला है, बाकी आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेट आपको मैंने बता दी है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का सिंपल प्रोसेस है, आपको उसको डाउनलोड करना है, आपको उसका जो वो प्रिंट आउट निकाल के इसको फिलअप करके आपको साथ में लेके जाना है। वॉक इन इंटरव्यू आपका रहेगा, काफी अच्छी आपके लिए यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।